मैं आपका दोस्त शाइन यूसुफ जाया, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। सो आज हम जा रहे हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट प्लेस इन यूएई, जो कि हिडन प्लेस है यूएई का, और आप सबको दिखाऊंगा। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेरे साथ रहिएगा और चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने जो है एनिमा मुंह को पिक कर लिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और जा रहे हैं कैटरपिलर खजम को लेने। तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को लाजम पूरा देखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने अपने सफर का आगाज कर दिया और सामने कजन जा रहे हैं, तो व्लॉग में जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर रुक गए हैं कैफेटेरिया से कुछ चाय वाय लेनी है, तो चलो हम चाय लेकर आते हैं। और आपको मैं पहले दिखाता हूँ कि कौन कौन है मेरे साथ। तो ये रहे कज़न और बख्तियार लाल और अनीम मामू। तो हम वैसे भी उतर गए थे गाड़ी से, तो मैंने सोचा कि चलो कि ग्रोसरी जाते और यहाँ से चिप्स विप्स लेते। तो अली अंदर है, चिप्स विप्स जो है वो लेके आ रहा है। तो ये रही हमारी चाय, और ग्रोसरी से हमने चिप्स वगैरह जो है ये ले लिए, और इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ रहेगा और व्लॉग को पूरा देखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, एक घंटे की सफ़र के बाद हम अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचने ही वाले हैं, और इन खूबसूरत राउंड अबाउट से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो व्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए हैं, और ये रहे एंट्रेंस के कुछ खूबसूरत मनाजिर। #2LoveLakeDubai जो कि इन लोगों का अपना हैशटैग है, और ये रहा रास्ता जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया है। दोनों जानिब दरख्त है, लेकिन वो भी गर्मियों की वजह से और धूल मिट्टियों की वजह से अपने मौज में नहीं है। और यहाँ पर हम पार्किंग ढूंढ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड हमको पार्किंग मिल गई। और यहाँ पर एक कैप है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप लोग बारबेक्यू वगैरह जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ इंस्ट्रक्शन, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो अभी जाते हैं अंदर और आपको अंदर के मनाज़र जो है वो दिखाता हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों ये थे लव लेक के खूबसूरत मनाजरों में से कुछ मंजर, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ एंजॉय किया होगा। तो अभी हम जाते हैं दरिया के उस साइड पे, वहाँ पर कुछ पिक्चर वगैरह लेनी है। तो पानी में हम जा रहे हैं उस साइड पे, और आप लोगों को यहाँ पर भी मछली देखने को मिलेगी, और यहाँ पर खूबसूरत डक्स है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये जगह रिकमेंड करता हूँ, यूएई का सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह ये भी है। फैमिली के साथ आ जाए और अपने बच्चों को यहाँ पर इंजॉय कराए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर खूबसूरती के मामले में एक से बढ़कर एक जगह मिलेगी। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो हमने इसके साथ वीडियो भी बनाई है।
ابھی میں اور علی اوپر جا رہے ہیں, یہاں پر بھی پکچرز کھینچنے کے کچھ مقامات ہیں اور آپ لوگ یہاں سے منظر دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا. تو ابھی ہم نے یہاں پر بہت ہی خوبصورت پکچر بنائے ہیں, تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں راستہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آپ کو تیرنے کو ملے گی اور یہاں پر فیملی وغیرہ ہے جو ہے بہت آئی ہے. تو دوستو ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو نماز پڑھ لیا اور یہاں پر ڈکس آ گئے ہیں, تو ان لوگوں نے کاموں کو بھی کیپچر کر لو, تو ہم نے کر لیا اور یہاں پر ڈیئر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ شرم کے مارے ہم سے بھاگ گیا. تو دوستو ابھی سن سیٹ بھی ہو گیا اور شام کا ٹائم ہے, تو ہم نے اپنے کھانے کا آرڈر دے دیا. دوستو جتنے میں کھانا آتا ہے ہم نے سوچا کہ تھوڑا ریسٹ کر لیتے اور گپ شپ سب جو ہے ساتھ اکٹھے بیٹھے تو گپ شپ بھی لگا لیتے. تو یہاں پر مجھے یہ چیز دکھائی دیا جس میں کچھ مچھر مکچر پھنسانے کے لیے یہ لگایا ہے یہاں پر, اور یہاں اس میں ہمارا کھانا بھی آ چکا ہے الحمدللہ. تو چلو کھانا کھانے کے لیے ہم اپنے منہ ہاتھ دھوتے, تو یہاں پر درخت میں یہ چیز لگایا تھا دھو کے بہت ہی مزے کا لگا, تو ہم نے کھانا کھا لیا الحمدللہ اور یہاں پر چائے کے لیے بیٹھے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی, تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. فی الحال کے لیے خدا حافظ.